तो चलिए बात करते हैं इन उड़ानियों के बारे में। उड़ानियों में जैसा कि अब आ चुका है जैद, यहाँ पर जैद को आसमा अरमान लेकर आ गए हैं। अब जैद को ये लोग दोनों अडॉप्ट करेंगे, पूरी फैमिली जैद के आने पर खुश है। लेकिन आलिया जो है वो अलग ही प्लानिंग जैद के साथ कर रही है। उसे मालूम है कि अगर आसमा को बच्चा हो गया, यानी कि आसमा अरमान का बच्चा हो गया, तो उसका पत्ता तो कट हो जाएगा। और ऐसे में अब वो जैद को समझाती है कि क्रिकेट कैसे खेला जाता है। आपको ये जानकारी दे दें कि पूरी फैमिली जो है क्रिकेट खेल रही होती है, इसमें जैद भी है जो हाथ में बैट लिए हुए है। और यहाँ पर वो आसमा के पेट पर बैट से बहुत तेज वार करता है, जिसकी वजह से आसमा को बहुत तेज चोट आती है और आसमा वहीं गिर जाती है। यहाँ पर अरमान उसे देखता है और उसके होश उड़ जाते हैं और वो सीधे उसे उठाकर हॉस्पिटल लेकर जाता है। अब यहाँ पर आसमा का माँ बनने का सपना कहीं ना कहीं जैद की वजह से खत्म हो जाएगा। देखना दिलचस्प होता है कि क्या होगा आगे कहानी में। फिलहाल के लिए बस इतना ही।